न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। कई लोग हैं जो मानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की जरूरत ही क्या है और इतना सारा खर्चा कर रहे हैं हम राष्ट्रपति पे, इतना बड़ा बंगला, इतने खर्चे। मैं समझता हूं कि भारत में राष्ट्रपति की जरूरत है। भारत का जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राष्ट्रपति की जो भूमिका रखी गई है वो बड़ी ही नाजुक भूमिका है। जब देश चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, सब बराबर चल रहा है, तब राष्ट्रपति जी को कुछ नहीं करना है। वो बात बिल्कुल सही है, मगर जब देश में कोई बड़ी बात खड़ी हो जाती है, जब पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हो जाती है, जब राजनीति में भूचाल आ जाता है, जब चुनाव खत्म होते ही कोई सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो एक पार्टी को नहीं मिलता है, बहुत सारी पार्टियों को साथ में मिलकर सरकार बनानी है, उस समय राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी अहम है। और ये पूरी जो सरकार चल रही है, पूरा देश चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति कुछ नहीं कर रहे, उसमें राष्ट्रपति का कुछ योगदान दिखता नहीं है, वो ठहर गए हैं। मगर याद रखिए कि कोई भी वाहन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, उसके जो पहिए घूमते हैं, पहिए पूरे घूमते हैं, मगर वो जो धरी पर पहिए लगे हुए होते हैं वो धरी वही की वही रहती है। वो धरी अगर चलने लगेगी, धरी अगर घूमने लगेगी, तो अपनी कार, ट्रेन वो गिर जाएगी, वो उथल जाएगी। तो धरी स्थिर रहनी चाहिए। वही काम राष्ट्रपति हमारे देश में कर रहे हैं। और हमारे पास कैसे कैसे राष्ट्रपति हुए, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी हुए, बड़े ही होनहार, बिल्कुल देसी आदमी थे, बिल्कुल देसी आदमी थे, गांव से जुड़े थे, बिल्कुल गवार जैसे आदमी थे, बड़े विद्वान थे, गवार तो नहीं थे, बड़े विद्वान आदमी थे, मगर बिल्कुल उनकी जो जीवन शैली थी वो इतनी देहाती थी कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि ये देहाती आदमी राष्ट्रपति बने। नेहरू के इच्छा के खिलाफ उनको राष्ट्रपति बनाया गया। बार बार दोनों के बीच बहस हुई, बार बार दोनों के बीच झगड़े हुए, खुलेआम झगड़े हुए। और सबसे बड़ा झगड़ा तो तब खड़ा हुआ जब गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है, जो आज आप देख रहे हो, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। वहां एक मस्जिद थी, आज बाबरी मस्जिद के लिए इतना शोरगुल हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई ने वहां से मस्जिद हटा के ही नए सोमनाथ का निर्माण किया था। वही होम मिनिस्टर थे भारत के, वही गुजरात के नेता थे, वही सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, प्रमुख थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। और उन्होंने मस्जिद हटा के कोई शोरगुल बिना, कोई किसी को पूछे बिना मस्जिद हटा दी, वहां सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया, भव्य मंदिर बनवाया उन्होंने। और जब सोमनाथ मंदिर का ओपनिंग था, फिर से खुल रहा था, उस समय सरदार चाहते थे कि राष्ट्रपति आए, और नेहरू जी चाहते थे, सरदार वड़ा प्रधान थे, नायब वड़ा प्रधान थे, नेहरू जी ने कागज लिखा ऑफिशियली और प्रोटेस्ट किया कि राष्ट्रपति इस मंदिर के ओपनिंग में नहीं जाएंगे। बड़ा पेचीदा मामला था। नायब वड़ा प्रधान इन्विटेशन दे रहे, वड़ा प्रधान कह रहे कि आप जाएंगे ही नहीं। नेहरू अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, क्योंकि मस्जिद हटाकर और बार बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए थे, और वहां मस्जिद खड़ी थी, उसे हटाकर फिर से सोमनाथ का मंदिर बना था। नेहरू नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के दिल को कोई चोट पहुंचे। उन्होंने लिखा कि आप ये ओपनिंग में नहीं जाएंगे।
राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू के खत का जवाब लिखा। नेहरू ने जो खत लिखा था वो पब्लिक में नहीं आया था, प्रेस तक नहीं पहुंचा था। नेहरू ने एक खानगी पत्र लिखा था, ऊपर लिखा भी था कि प्राइवेट। राजेंद्र प्रसाद ने वो खत का जवाब लिखा और उन्हें पब्लिक कर दिया, प्रेस को भेज दिया, और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जाऊंगा, मैं हिंदू हूं, मैं स्वीकारता हूं, ये बहुत बड़ा मंदिर खुलने जा रहा है तो मैं जाऊंगा। फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने मैसेज भिजवाए, प्रतिनिधि भेजे, समझाने की कोशिश की, मिनिस्टर जाके मिले कि आप नहीं जाओ तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, आप चाहे मुझे निकाल दो मगर मैं जाऊंगा। इतनी बड़ी टसल हो गई एक मंदिर में, मंदिर के ओपनिंग में जाए या ना जाए, इसके लिए वड़ा प्रधान और राष्ट्रपति के बीच युद्ध छिड़ गया। राजेंद्र प्रसाद मंदिर के ओपनिंग में गए, उपस्थित रहे और वड़ा प्रधान को दिखा दिया कि राष्ट्रपति जो है वो वड़ा प्रधान का रबर स्टैंप नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी राष्ट्रपति को कई विरोध था, कई जो हिंदू मैरिज एक्ट की कई प्रोविजन थे जिसके बारे में उन्होंने ओपोज किया, और कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद की वजह से उसमें थोड़े सुधार भी लाने पड़े नेहरू को, वो चाहते थे ऐसा बिल नहीं ला पाए। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बड़ौदा भी आए थे, मैं बहुत छोटा था, मैंने उनके दर्शन भी किए। वो इतनी बड़ी पगड़ी पहनते थे, बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे और इतने सुंदर दिखते थे, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर था उनका, बहुत बढ़िया दिखते थे। उनकी विद्वता जो थी वो उनके मुंह पे दिखाई देती थी, इतना तेज था उनके मुंह पे। वो भारत के एम्बेसडर थे, विदेश सेवा में काम कर रहे थे, उन्हें रसिया भेजा गया था, नया नया रसिया बना था, कम्युनिस्ट सरकार थी, मैं भूलता नहीं हूं तो लेनिन या शायद स्टालिन दोनों में से एक वहां राष्ट्रपति थे, और बड़े कातिलाना राष्ट्रपति थे, उन्होंने लाखों रशियनों को मरवा दिया था। तो जब वो अपने कागज पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन गए, उन्हें बताया गया था कि आपके पास 8 मिनट है, राष्ट्रपति ने आपको 8 मिनट दी है, लेनिन ने आपको 8 मिनट दी है। उन्होंने कहा ठीक है, वो जाके कागज पेश करके बैठे उनके सामने। उनको देखकर ही ये रसिया का जो सरमुखदार था, लाखों लोगों का कातिल था, बड़ा बेरहम था, वो उन्हें देखता ही रह गया। उनसे बातचीत शुरू हुई। राधाकृष्णन भारतीय तत्व ज्ञान के, फिलोसॉफी के बहुत बड़े विद्वान थे। जो बातचीत का दौर शुरू हुआ, 8 मिनट तो कहीं चली गई, घंटे निकल गए, बहुत लंबी बातचीत चली। और जैसे ही बातचीत खत्म हुई तो लेनिन ने कहा अपने सेक्रेटरी से कि भाई ये जो राधाकृष्णन है वो जब चाहेगा, जितनी बार चाहेगा मुझे मिल सकेगा, वो आए, किसी को उसे मना नहीं करना है, आप मना नहीं करोगे, वो जब भी चाहेगा वो मेरे पास आएगा। और कहा जाता है कि वो बार बार उनको बुलाते थे, वो ग्लानि से भरे थे, जो हत्याएं की थी, जिस हजारों लोगों को मार दिया था, वो बड़ी ग्लानि से भरे थे। वो राधा कृष्णन को बुलाकर अपने दुख, अपने ग्लानि दूर करने का प्रयास करते थे। वो तत्व चिंतन की चर्चा करते थे, भगवान के बारे में, कम्युनिस्ट नेता भगवान के बारे में उनसे चर्चा करता था। और कहा जाता है कि भारत और रशिया के बीच जो इतना घना संबंध बना वो राधा कृष्णन की वजह से बना। फिर बाद में वो राष्ट्रपति हुए। ओरिजिनल तो वो शिक्षक थे, स्कूल में पढ़ाते थे, फिर कॉलेज में पढ़ाते थे, भारतीय तत्व चिंतक के बड़े, तत्व चिंतन के बड़े ज्ञानी थे,
और भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ और भारत बुरी तरह हार गया और लोकसभा में उसकी चर्चा हुई, तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी भाषण दे रहे थे लोकसभा में, नेहरू बीच में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप इतनी बात क्यों बढ़ा रहे हो, हम हार गए, हमारी जमीन चीन ने ले ली, मगर वो जमीन में तो एक दाना नहीं उगता था, एक घास का तिनका नहीं उगता था, वो जमीन चली गई। तब लोहिया जी ने कहा कि नेहरू तेरे, तू भी गंजा है, तेरे सर पे कोई बाल नहीं उगता, तू भी नकामा है, तू भी कोई काम का नहीं है, तेरे सर पे अगर बाल नहीं उगते तो तू क्या फालतू हो गया, तू बेकार हो गया। बहुत कड़वी चर्चा हुई। उन्होंने कहा लोहिया जी ने कि आज ही कृष्ण मेनन जो हमारे संरक्षण प्रधान थे उसका इस्तीफा हो जाए। नेहरू ने खड़े होकर कहा कि मैं उनको गुनहगार नहीं मानता हूं, कृष्ण मेनन इस्तीफा नहीं देंगे। रात को नेहरू जी को एक मैसेज आया राष्ट्रपति की ओर से, राधा कृष्णन की ओर से, और उन्होंने कहा कि आप कल सुबह में लोकसभा जाते हुए मुझे मिल के जाना। नेहरू पहुंचे राष्ट्रपति भवन और वो आश्चर्य से भर गए। जहां के आते हुए केश को बिठाया जाता है, फिर बाद में उनकी अंदर एंट्री होती है, वही रूम में राधा कृष्णन खड़े होके उनकी राह देख रहे थे। वहां एक खास रूम है जहां राष्ट्रपति और वड़ाप्रधान ही मिलते हैं, दूसरे किसी को मिलने की वो नहीं मिलते, वहां वो स्पेशल रूम है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं। वो वही खड़े थे, नेहरू जी अंदर आए, वो जब राष्ट्रपति खड़े थे तो नेहरू को खड़ा रहना पड़ा। और राधा कृष्णन ने कहा कि मिस्टर नेहरू, मैं चाहता हूं कि कृष्ण मेनन का इस्तीफा ले लो। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कृष्ण मेनन का इस्तीफा क्यों जरूरी नहीं है और मेरे पास लोकसभा में बहुमत है, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं चाहता हूं कि कृष्ण मेनन संरक्षण प्रधान बने रहे। राधा कृष्णन ने खड़े रखे हुए प्रधानमंत्री को कहा कि मिस्टर नेहरू, या तो आप कृष्ण मेनन का इस्तीफा ले लो या तो मैं आपको बर्खास्त कर दूंगा, मैं आपको निकाल रहा हूं, आपकी सरकार को डिसमिस कर रहा हूं, दूसरे चुनाव ले आऊंगा, आई विल डिसमिस यू, और आप अब भी निकलो और लोकसभा में मेनन के इस्तीफे की घोषणा कर दो। बिठाया नहीं, खड़ा रखा और कहा कि यू मे नाउ गो, और वो अपने रूम में चले गए। नेहरू समझ गए कि क्या 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 कहना चाहते ये पंडित। वो गए अपनी ऑफिस में, मेनन को बुलाया, कहा कि तू इस्तीफा दे दे नहीं तो मेरी सरकार गिर जाएगी। इस्तीफा ले लिया और वहां लोकसभा में अनाउंस हो गया कि कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये थे राधा कृष्णन, जिन्होंने इतने भारी, नेहरू की लोकप्रियता चरम सीमा पे थी उस समय, फिर भी उन्होंने नेहरू का कान पकड़ लिया। और ये देश में जब राधा कृष्णन और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति हुए, शंकर दयाल शर्मा भी बहुत कुछ अच्छे राष्ट्रपति साबित हुए, और दूसरे भी राष्ट्रपति हुए, फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने रात को 12:05 पे पूरे भारत को कैद बना दिया, जेल बना दिया, कटोकटी की इमरजेंसी की जो घोषणा पत्र लेके कोई सचिव गया था, नायब सचिव, बड़ा प्रधान को फोन करके भी नहीं पूछने की हिम्मत की कि ये क्या कर रही है आप। इंदिरा जी का कोई निजी सचिव वहां पहुंचा और उन्होंने पेन उठाकर उस पर साइन कर दी। ये से राष्ट्रपति भी
जाकिर हुसैन करके एक राष्ट्रपति हुए, बड़े विद्वान राष्ट्रपति थे। और फिर ज्ञानी झैल सिंह भी राष्ट्रपति हुए। जब उनके नाम की घोषणा की कांग्रेस ने, तब उन्होंने जो कहा, अपना सर, पूरे भारत का सर सम से झुक गया। राष्ट्रपति बनने जा रहे झैल सिंह ने कहा कि अगर मुझे सोनिया इंदिरा जी कहे, मैं उनके जूते भी साफ करने के लिए तैयार हूं। ऐसे भी राष्ट्रपति हुए। अब जो चुनाव होने जा रहा है, दो बांग्लादेशियों के बीच ही चुनाव होगा ऐसा लग रहा है, दोनों में से एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। एक है अपने प्रणब मुखर्जी और दूसरे है हमीद अंसारी। हमीद अंसारी अभी अपने उपराष्ट्रपति है, वो जब उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए दो साल तक तो मुझे उनका नाम याद नहीं रहता था, कहां से आए पता नहीं, कोई जानता नहीं था उनको। वो भी विदेश खाता सचिव, विदेश विभाग में काम कर रहे थे, बहुत सारे देशों में एलची रहे थे, एम्बेसडर रहे थे, फिर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे। गुजरात के दंगों में बने तो वो 2006 में, मगर गुजरात के दंगों में जो दंगे पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए थे और फिर बाद में वो उपराष्ट्रपति बने। मगर मेरी कोई पसंद की पूछे तो मैं कहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होते हैं वो देश के लिए अच्छा है। उनके पास बहुत, वो 40 साल से देश की राजनीति में है, पुख्ता नेता है, बड़े विचारशील है। ये देश की कम नसीबी है कि आज मनमोहन सिंह बड़ा प्रधान है और प्रणब दा फाइनेंस मिनिस्टर है। उल्टा होना चाहिए था, प्रणब मुखर्जी अगर बड़ा प्रधान होते और मनमोहन सिंह अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो ये देश का बहुत बहुत भला होता। खैर जो भी है, प्रणब मुखर्जी मेरी दृष्टि से सबसे अच्छे उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी है, वही अपने नए राष्ट्रपति बने। और राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद या शंकर दयाल शर्मा ने जो अपनी काबिलियत दिखाई थी वो काबिलियत दिखाए। सीधी बात में आज सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।